क्या आप जानते हैं आपके द्वारा पिया जाने वाला रियल जूस वाकई रियल है या नहीं? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसमें 67% से भी ज्यादा एडेड शुगर है। इसमें नेचुरल शुगर का अमाउंट मात्र 32% है। हाय गाइस, दिस इज नीतीश गुप्ता और ये है मेडिसिन फ्री इंडिया। आज हम एक ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे रियल जूस के बारे में। तो पैक जूस के नाम पर रियल फ्रूट जूस इंडिया का लीडिंग ब्रांड है और यह डाबर का ही एक प्रोडक्ट है। लोग इसे हेल्दी समझकर कंज्यूम करते हैं क्योंकि इसका नाम ही कुछ ऐसा है, रियल फ्रूट जूस। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रियल फ्रूट जूस से इसका यह मतलब नहीं है कि ये रियल फ्रूट से बना है और ये इसकी क्वालिटी को दिखाता है, बल्कि यह इनका ट्रेडमार्क नेम है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, कंपनी ऐसा खुद बताती है। बकायदा इन्होंने यह इन्फॉर्मेशन अपनी पैकिंग पर भी दी हुई है, पर शायद आप में से किसी की नजर इस पर ना गई हो। आप अगर इनके इंग्रेडिएंट चार्ट पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा वाटर, पर इसमें यह बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है कि रियल फ्रूट जूस में वाटर का अमाउंट कितना परसेंट है। नेक्स्ट है पोमेग्रेनेट जूस, यानी अनार का जूस, जो कि है 30%। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जिसे कंपनी अनार का जूस बताकर बेच रही है उसका अमाउंट खुद यहाँ पर आधे से भी कम है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अगला आप जो देखेंगे वो है शुगर। यहाँ पर भी यह बिल्कुल दिया नहीं है कि शुगर का परसेंटेज इसमें कितना है। अब अगला इसमें आता है लिक्विड ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज सिरप भी कहते हैं इसे। आपने बहुत सी जगह देखा होगा इसे सॉलिड कैंडी बनाने में यूज किया जाता है। यही एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण जूस में मिठास आती है। बाकी इसमें पोमेग्रेनेट जूस कंसेंट्रेट 0.95% होता है। अब इसमें अगर आप सबसे नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कंटेन्स परमिटेड नेचुरल कलर एंड फ्लेवर। आइए अब बात करते हैं इनकी मेजर न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में। तो इसके अप्रोक्सीमेटली 100 ml की सर्विंग में एनर्जी प्रेजेंस है 58 कैलोरीज, प्रोटीन प्रेजेंस है 0.1 ग्राम जो कि ना के बराबर है, और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस है 14 ग्राम जो कि शुगर से आता है, जिसमें नेचुरल शुगर का अमाउंट है 5.0 ग्राम एंड सिंथेटिक शुगर का अमाउंट है 9.5 ग्राम जो कि सिरप से आता होगा। तो यह थी रियलिटी रियल जूस की। आगे आपको डिसाइड करना है कि आपको यह पीना है या नहीं पीना है, और मैंने इसमें इंफॉर्मेशन वही दी है जो कंपनी ने अपनी पैकिंग पर दी है। मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया। तो मेरी राय आपको यही होगी कि आप जूस पीने से अच्छा मार्केट से ताजे फल लाएं और उन्हें खाएं। कम से कम उसमें सिंथेटिक शुगर वगैरह या प्रिजर्वेटिव या किसी तरह का फ्लेवर तो एडिड नहीं होगा। इससे आपको फाइबर भी मिलेगा, जो कि आपने इनके पूरे न्यूट्रिशनल चार्ट में आपको कहीं भी फाइबर नहीं मिला होगा। तो यह वीडियो आप अपने दोस्तों और बड़े बुजुर्गों में शेयर कीजिए ताकि उनको इसकी रियलिटी का पता चले। आगे और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए देखते रहिए मिशन मेडिसिन फ्री इंडिया। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, बीमारियां और दवाइयों से दूर रहिए। थैंक यू।